कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनको देखने के बाद उन मूवीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हमारे माइंड पे एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। हम उन मूवीज से रिलेटेड गूगल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और ये मूवीज हमें और भी क्यूरियस बना देती है। अगर आपको भी ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स मूवी देखना पसंद है जो एक समय के लिए आपका माइंड पूरी तरह बदल दे, तो आज हम जिन मूवीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मूवी एक बार जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में ऐसी 5 साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी। ये मूवीज आपका एक पल के लिए दिमाग हिला के रख देगी। पहले नंबर पर जो मूवी है वो है जॉडियक। एक ऐसा सनकी किलर जो लोगों को मारकर पुलिस को लेटर लिखता है और अपने नेक्स्ट मर्डर के बारे में बताता है, वो भी एक इनक्रिप्टेड कोड में। ये कहानी एक रियल कहानी है। अमेरिका में 1960-70 में एक सीरियल किलर एक्टिव हुआ करता था जिसके लिए मर्डर करना एक खेल था। उस सीरियल किलर का नाम था जॉडियक। फिल्म में रॉबर्ट जूनियर डाउनी बने हैं रिपोर्टर, जैक गैलनहॉल बने हैं कार्टूनिस्ट जो कि एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, और जब इन्हें लेटर मिलता है तो वो लेटर को डिकोड करने में लग जाते हैं। फिर आते हैं अपने हल्क यानी मार्क रफेलो जो कि पुलिस में होते हैं। क्या ये तीनों मिलके उस सीरियल किलर को पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए ये मूवी जरूर देखें। ये मूवी देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे जो कि जॉडियक किलर के बारे में गूगल करने पर मजबूर कर देगी। हमारी जो नेक्स्ट मूवी है वो है सेवन। सेवन एक ऐसी सिटी की कहानी है जहाँ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, मर्डर होते हैं। इसमें एक किलर होता है जो 7 लोगों का मर्डर करता है, और वो जो मर्डर करता है वो रिफ्लेक्ट करता है 7 डेडली सिंस को, और वो 7 डेडली सिंस है प्राइड, एनवी, ग्लटनी, ग्रीड, लस्ट, रेथ। और इस मूवी में ब्रैड पीट और मॉर्गन फ्रीमैन को उस किलर को ढूंढना है। क्या वो इस किलर को ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, जानने के लिए ये मूवी जरूर देखें। डेविड फिंचर की डायरेक्शन, ब्रैड पीट एंड मॉर्गन फ्रीमैन की एक्टिंग आपके होश उड़ा देगी, और जो मर्डर, जो भयानक मर्डर होते हैं उसको देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। हमारी जो थर्ड मूवी है वो है फाइट क्लब। ये मूवी डेविड फिंचर की प्रीवियस 2 मूवीज से अलग है, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है क्योंकि ये आपके माइंड के साथ खेलेगी, ये आपका माइंडसेट बदल देगी। जब ये मूवी 1991 में रिलीज हुई तब ये बॉक्स ऑफिस पर इतनी चली नहीं, लेकिन जब डीवीडी पर रिलीज हुई तो लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। ये मूवी का क्लाइमैक्स आपका दिमाग हिला के रख देगी। इस मूवी में लाइफ की फिलोसॉफी को भी बहुत अच्छे से बताया गया है। जो लोग अपनी लाइफ से परेशान है, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो ये मूवी आपको मोटिवेट भी करेगी। डायरेक्टर ने लाइफ की फिलोसॉफी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वे में इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी जो फोर्थ मूवी है वो है शटर आइलैंड। शटर आइलैंड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये स्टोरी है 2 US मार्शल की, लियोनार्डो डी कैप्रियो और उनके डेप्यूटी चक, एक हॉस्पिटल प्रिजन में आते हैं जहाँ पर क्रिमिनली पागल लोगों को रखा गया है। वहाँ से एक प्रिजनर गायब हो जाती है। वो कहाँ गायब होती है यह पता लगाने के लिए मार्क रफेलो एंड लियोनार्डो डी कैप्रियो आते हैं। अब देखना यह है कि ये दोनों उस प्रिजनर का पता लगाते हैं या खुद उस प्रिजन में फंस जाते हैं। इस मूवी का सस्पेंस इतना गजब है कि लास्ट में आपका दिमाग हिल जाएगा। आप 1% भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि क्लाइमैक्स इतना अलग होगा। द क्लाइमैक्स ब्लो योर माइंड। जब आप क्लाइमैक्स को 4 बार रिपीट मोड पे देखोगे तब जाके ये समझ आएगा। हमारी लिस्ट की जो 5th एंड लास्ट मूवी है वो है सिक्स्थ सेंस। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें एक यंग लड़का होता है जिसको मरे हुए लोग दिखते हैं। पूरी मूवी में सब कुछ आपके सामने होगा, सिंपल स्टोरी होगी, लेकिन जब आप क्लाइमैक्स देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस मूवी का सबसे मेन पार्ट ही क्लाइमैक्स है जो कि आपका माइंड ब्लो कर देगा। अगर आपको सबसे पहले कोई मूवी देखनी है तो ये मूवी देखें, ये मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी।